दोस्तों, स्वागत है आपका। बनिए स्वयं पर्यवेक्षक सुपरवाइजर सीजन 1 एपिसोड 2 में। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं सब ने अपने कार्य में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एपिसोड 2 में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेफ गार्ड, जो कि पोल्ट्री की दुनिया में एक माना जाना नाम है। शायद आपने भी कभी न कभी उपयोग जरूर किया हो। चलिए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में, बताते हैं आपको कुछ इसके अनयूज्ड कार्य के बारे में। पानी सैनिटाइजर, जैसा कि आप सभी लोग सेफगार्ड को एक पानी सैनिटाइजर के रूप में यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली 10 लीटर पानी में 1 ml चलता है। ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पानी की शुद्धता कितनी है। हम आपको इससे कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं, जो शायद आपने कभी ना यूज किया हो, तो बताते हैं आपको हम। पानी सैनिटाइज करने के लिए आप लोग इसको यूज करते हैं नॉर्मल 10 लीटर पानी में 1 ml। इसका एक दूसरा पहलू भी है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट। आप इसको सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि 8 से 10 ml/L पानी में किया जाता है, जो कि सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है, सरफेस को डिसइंफेक्ट कर देता है। एक और इसी का पहलू है एयर क्लीनिंग। सेफगार्ड को हम एयर क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। लेयर फार्मों में इसका यूज सैनिटाइजर और एयर क्लीनिंग के लिए भी किया जा सकता है, जो कि 4 से 8 ml/L पानी में यूज किया जाता है। आप इसको पानी में 4 से 8 ml/L पानी में मिलाकर आप एयर क्लीनिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। फीडर क्लीनिंग, बर्ड लिफ्ट होने के बाद फीडर को भी क्लीन किया जाता है इससे, ताकि पुराने फुलाव के सारे बैक्टीरियाज किल हो जाएं, डिसइंफेक्ट हो जाएं। फीडर क्लीनिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज होता है जैसा एज पर कंपनी डायरेक्शन। स्प्रे आप लोग अपने लाइफ फार्म में करते होंगे, कई दवाएं आती हैं, लेकिन आज आप लोग ये भी जान लीजिए कि हमारा सेफगार्ड भी लाइव बर्ड पे स्प्रे होता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है, बहुत ही बढ़िया डिसइंफेक्ट का काम करता है, जिसका डोज है 4 से 8 ml/L वाटर। 4 से 8 ml/L वाटर का आप लाइव बर्ड पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका एक और बहुत ही अहम पहलू है, जो कि शायद आप लोग ना यूज करते हो, यूज करिए, हैंड सैनिटाइजर। आप इसको 4 से 8 ml/L पानी में मिलाकर आप इसको रख सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फार्म पर पीएमएल करने के बाद, काम करने के बाद, कहीं बाहर से आने के बाद, फार्म में एंट्री करने से पहले आप इसको हैंड सैनिटाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। पैर को भी सैनिटाइज कर सकते हैं अपने फार्म में एंट्री करने से पहले। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छी सी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।